खेलो इंडिया यूथ गेम्स मलकम खिलाड़ी को शुभकामनाओं के साथ बीडीओ ने किया विदा। बिहार के औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुम्बा प्रखंड के गंगहर गांव निवासी विजय कुमार सिंह के पुत्र विवेक कुमार को मलकम खिलाड़ी के रूप में चुने जाने पर जिले के खेल प्रेमियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 4 फरवरी से 6 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ प्रतियोगिता का आयोजन होना है। इधर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य स्तर पर चयनित मलकम खिलाड़ी विवेक को कुटुम्बा प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रभूषण गुप्ता ने शुभकामनाओं के साथ सोमवार को विदा किया। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे प्रखंड व औरंगाबाद जिले के लिए गौरव का विषय है। जिले के युवाओं ने अन्य खेलों में अपनी प्रतिभा साबित की है। हमारी यही कामना है कि विवेक कुमार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलकम प्रतियोगिता में परचम लहराएं और अपने प्रदेश व देश का नाम रोशन करें और आगे प्रगति पर रहें। बताते चले कि आयोजकों ने कैंप लगाकर मलकम के गुर सिखाएगी। 4 फरवरी से 6 फरवरी तक चलने वाले खेलो इंडिया गेम्स का लाइव प्रसारण दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पर किया जाएगा। बिहार मलकम सेक्रेटरी प्रवीण कुमार मिश्रा व औरंगाबाद जिला के मलकम सचिव योगेंद्र भूषण मिश्रा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए उम्मीद है कि बिहार मलकम प्रतियोगिता में इस वर्ष मेडल जरूर लाएगा। सर, औरंगाबाद जिले में मलखान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी का चयन किया गया है, क्या कहेंगे आप इसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पूरा भारतवर्ष के लिए किया गया है। इसका केंद्र बिंदु उज्जैन मध्य प्रदेश है। हमारे शहर के लिए, हमारे जिला के लिए गौरव की बात है कि यहाँ के विवेक कुमार का भी इसमें चयन हुआ है और आज वो पटना के लिए प्रस्थान किए हैं, वहाँ इनकी ट्रेनिंग होगी और ये खेलो इंडिया मलखम खेल में भाग लेंगे। और मेरी शुभकामनाएँ इनके साथ है कि ये वहाँ से जीत करके पूरा देश में औरंगाबाद जिला का नाम रोशन करें, यही मेरी उनके साथ शुभकामनाएँ। एक अहम सवाल है, यहाँ के जुआ काफ़ी नाम कमा रहे हैं, जैसे ईशान किशन भी हैं, तो जुआओं के लिए क्या संदेश है? एक समय था कि लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, वो मुहावरा बदल चुका है। अब खेल के माध्यम से भी, खेल में भी लोग अपना करियर देखने लगे हैं और खेल के माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे आगे जा रहे हैं, जिसमें औरंगाबाद भी है। औरंगाबाद के भी बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये भी अच्छा करेगा। तुम्बा प्रखंड के विवेक का चयन हुआ है मलखम खिलाड़ी के रूप में, क्या मैसेज है आपका? हमारे जिले में एक से एक बच्चे लोग हैं, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन की जरूरी है। वो बिहार का इंडिया लेवल के भी प्लेयर में चयन भी पिछले बार दाऊनगर के ईशान किशन को भी हुआ, लेकिन आज इंडिया लेवल का खेल रहा है। वो विवेक कुमार जो कुटुम्बा का है, उसका भी चयन होगा, ये भी ऑल इंडिया गेम्स में जा रहा है खेलने और गोल्ड मेडल लान कर औरंगाबाद को, यहाँ का प्रशासन और समाजसेवी लोग को मतलब फलीभूत करेगा और जिला का गौरवान्वित करेगा। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को थोड़ा बल देने की आवश्यकता है और उत्तेजना देने की आवश्यकता है कि वो आगे की ओर बढ़ते रहे। और बहुत गरीब बच्चे खिलाड़ी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, उसको आर्थिक मदद समाज सेवी और जिला प्रशासन मदद करे कि वो आगे बढ़े।